नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एमके जेसीबी टेक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारे मतलब भाई लोग हैं जो जेसीबी सीखना चाहते हैं, उन लोगों को लगता है कि जेसीबी बहुत सारी कठिन है। आज मात्र मैं 2 मिनट में आप लोगों का टेंशन खत्म करने वाला हूँ। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम बताएंगे कि जेसीबी कैसे चलाना सीखे। बाकी चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगर आप लोग हमारे न्यू है हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको कि हाँ जेसीबी कैसे मतलब चलाया जाता है और कितना आसान होगा आप लोगों को सीखना। आज हम इस वीडियो में पूरी बताएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम बताते हैं आप लोगों को। फ्रंट पे चलते हैं पहले और देखिए, ये रहा चाबी, ये रहा स्विच। हम करते हैं चाबी ऑन। ये कांटा जो है ऐसे जाके ऐसा आना चाहिए, फिर चालू करना चाहिए मशीन को। हम करते हैं चालू, ये हुआ चालू, ठीक है। अब देखिए चालू हुआ, हम पहले लोडर के बारे में समझते हैं। लोडर का लीवर ये है और ये कैंची लोडर, ये कैंची लोडर है मशीन में हमारा। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि हाँ कैसे क्या होता है। ये रहा लोडर की, हम इसे उठाते हैं, ये पीछे करेंगे तो ये लोडर उठेगा। देखिए ये लोडर उठा, हम ये पीछे कर रहे हैं, पीछे किए लोडर उठा, ठीक है। अब इसको हम आगे करेंगे, ये लीवर को आगे करेंगे तो ये डाउन होगा, ठीक है, डाउन होगा, ठीक है। अब हम इसे ऊपर उठा लेते हैं पहले, ऊपर उठा के, और देखिए ये रहा, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे इधर इधर मोड़ेंगे तो लोडर खुलेगा। देखिए ये लोडर जैसे कोई सामान है तो इसको ऐसे खाली हो जाएगी, ठीक है, इधर मोड़ने से। इधर अगर मोड़ते हैं तो ये है, तो ये बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो गया, ठीक है। इसका रहा प्रक्रिया, इसका वो दूसरा लीवर का, तो उसकी भी बताते हैं हम। पहले खोल लेते हैं लोडर को, खोल लिए, ये रहा एक कैंची लोडर का रहा लीवर। तो इसका मतलब दो सिस्टम होता है इसमें, 4 फंक्शन इसमें होता है, 2 फंक्शन इसमें होता है। तो ये कैंची लोडर का है, देखिए ये है, इसको अगर हम आगे करेंगे तो देखिए ये कैंची लोडर का है, ये खुलता है। देखिए इसको अगर हम पीछे करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया, ठीक है। सभी मशीनों में कैंची लोडर नहीं आता है। अब देखिए हम इसको रखते हैं नीचे, ठीक है, हम रखते हैं नीचे। अब समझते हैं गियर के बारे में इसकी। ये रहा रिजर्व फॉरवर्ड गियर, ये फॉरवर्ड गियर रिजर्व गियर, अभी न्यूट्रल है। इसको हम अगर आगे करते हैं, आगे ये आगे करते हैं तो मशीन आगे चलेगा, ठीक है, मशीन आगे बढ़ेगा। इसको अगर हम पीछे करते हैं मशीन पीछे बढ़ेगा, ठीक है। ये बीच में कर दिए, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये गियर रहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये 1 नंबर लगा दिया, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 नंबर। तब 2 नंबर में आगे दौड़ाएंगे, 2 नंबर में भागेगा, पीछे दौड़ाएंगे 2 नंबर में पीछे भी भागेगा, और 3 में भी भागेगा, जैसे भी है, जैसे आगे जाएगा उसे पीछे जाएगी, 4 में भी जैसे आगे जाएगा उसे पीछे जाएगा। अब चलते हैं, चलिए आगे के, तो आप लोग समझ गए। ये रहा हैंड ब्रेक मशीन का, ये मशीन का हैंड ब्रेक है, ये जिसे आप उठा देंगे हैंड ब्रेक है। जैसे पार्किंग में कहीं खड़ी उड़ी करना होता है तो हैंड ब्रेक लगाया जाता है। बाकी ये दोनों रहा, ये ब्रेक रहा, ये दोनों ब्रेक हैं, और ये जो है ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर है। ये रहा 1 किलोमीटर स्पीड, स्पीड का है, और ये रहा अपना मशीन, ये RPM का है, RPM का है, ये रेटिंग वगैरह रहा। अब चलते हैं हम, चलिए दोस्तों हम पीछे की प्रक्रिया चालू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये रहा बूम, बकट डिपर, इसको बोलते हैं हम बड़े वाले को बूम, और बीच में वो डिपर है और आगे जो है वो बकट है, ठीक है। और ये रहा KPC, ये KPC रहा। तो हम पहले बात करेंगे स्टेबलाइजर के बारे में। ये रहा स्टेबलाइजर, ये एक इधर और एक इधर, ये दोनों के स्टेबलाइजर बोलते हैं। उसका लीवर ये है, इसको अगर हम नीचे दाबते हैं तो ये मशीन ऊपर उठेगा, देखिए मशीन ऊपर उठेगा, और इसको अगर हम ऊपर करते हैं तो मशीन नीचे जाएगा, देखिए नीचे गया, ठीक है। स्टेबलाइजर के बारे में तो समझ गए, तो बात करते हैं इस लीवर के बारे में। इस लीवर के बारे में 4 फंक्शन होता है, एक इधर, 1, 2, 3 और 4 गुने में लीवर होता है, ठीक है। तो ये है बूम का है, तो इसको हम इधर दबाएंगे नीचे, देखिए नीचे दबाते हैं तो बूम हमारा ऊपर उठेगा, देखिए बूम ऊपर उठा। और इसी को अगर हम नीचे करेंगे, इस साइड सामने सामने
तो बूम हमारा नीचे होगा। देखिए बूम नीचे हुआ, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और देखिए स्विंग करते हैं, ठीक है। इसी को हम इधर दाबेंगे तो ये लेफ्ट जाएगा, देखिए लेफ्ट गया। और इसी को हम इधर दाबेंगे ये राइट जाएगा, देखिए, ठीक है। अब रहा इसकी बात, ये लीवर के बारे में तो आप लोग समझ गए, अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये रहा, देखिए ये रहा, ठीक है। इसको हम इधर दाबेंगे, इधर 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 दाबेंगे अपने तरफ, तो देखिए ये पकड़ का है, पकड़ बंद होगा, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट सामने सामने इधर घुटने में इसको हम इधर दाबेंगे तो ये पकड़ खुलेगा, ठीक है। ये पकड़ खुलता है और यही इस तरफ अगर हम दाबते हैं तो ये नीचे होता है डीपर, और इधर करेंगे तो ये ऊपर उठेगा, देखिए ये ऊपर, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे विश्वास है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना राय दीजिएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।